praise God for the wonderful time God given to us. परमेश्वर को धन्यवाद दे सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया. Our God is a loving God. हमारा परमेश्वर जो प्यार करने वाला. Our God is a miracle God. हमारा परमेश्वर आश्चर्य करने वाला. Our God is a healing God. हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला. Our God is a delivering God. हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला. Our God is a mighty God. हमारा परमेश्वर सामर्थ्य का परमेश्वर. Our God is a powerful God. हमारा परमेश्वर एक सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर. Our God is a living God. हमारा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर. Our God can do everything in our life. हमारा परमेश्वर हर एक चीज हमारी जिंदगी के लिए कर सकता है. He can change our life. वो हमारी जिंदगी को बदल सकता है. He can change our situation. वो हमारी परिस्थिति को बदल सकता है. He can change our problem. वो हमारी दिक्कतों को बदल सकता है. He can change everything. वो हर एक चीज को बदल सकता है. He can change Jesus in our life. अगर आप अपने परमेश्वर को अपने हृदय में आने देंगे. He can do everything in our life. वो हर एक चीज आपकी जिंदगी में करेगा. In this world. इस संसार में. That's the only one living God. एक ही परमेश्वर जो जिंदा है. Who gave the life for us. जिसने हमें लिए जिंदगी दी. Who carried the cross for us. जिसने हमारे लिए क्रूस उठाया. Who shed the blood for us. जिसने हमारे लिए अपने खून को बहाया. Who carried the cross for us. जो हमारे लिए टांगा गया. Who gave the life for us. जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगी दी. Who died for us. जो हमारे लिए मरा. Who rose for us. जो हमारे लिए फिर से जिया. Today he is living. आज वो जिंदा है हमारे लिए. His name was Jesus Christ. और उसका नाम यीशु मसीह. He was living. और वो जिंदा है. So that I am living. तभी मैं जिंदा हूं. So that you are living. तभी आप जिंदा हैं. One day, एक दिन और एक दिन. We are going to live with Jesus. यीशु मसीह का रहने वाले. Because our God is a living God. क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. The death cannot keep him in ever. जो हमारी मृत्यु है वो उसे नहीं दूर कर सकती. He will rise with the God. वो परमेश्वर मरे मरे तो से जीएंगे. He will live with the God. हम उसके साथ जिएंगे. The Bible says. पवित्र वचन कहता है. James chapter. याकूब में. 4:7 says. 4:7 कहता है. James 4:7 says. याकूब 4:7 कहता है. Submit yourself then oh to the God. Resist the devil and he will free from you. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. The Bible clearly says. पवित्र वचन स्पष्ट रूप से कहता है. Submit yourself. खुद को परमेश्वर के अधीन. When you come to the church. जब आप कलीसिया में आते हैं. Submit to the God. परमेश्वर को परमेश्वर में समर्पित. When you come to the prayer. जब आप प्रार्थना में आते हैं. Submit to the God. खुद को परमेश्वर में समर्पित करते हैं. When you read the Bible. जब आप वचन पढ़ते हैं. Submit to the God. खुद को समर्पित करते हैं. Every day in your life. हर एक समय. Submit to the God. जब आप अपने आप को समर्पण करते हैं. You can see the spirit of the God working inside of your life. परमेश्वर का आत्मा अपनी जिंदगी के अंदर कार्य करता हुआ देख सकते हैं. We want to submit our life. हमें अपनी जिंदगी को परमेश्वर को समर्पित करना है. We don't submit our life. जब हम समर्पित नहीं करेंगे. For whom you are going to submit our life? तो आप किसको समर्पित करेंगे? If you don't live for the God. अगर आप यीशु मसीह के लिए नहीं जिएंगे. For whom you are going to live? तो आप किसके लिए जिएंगे? If you don't going to see the God. अगर आप परमेश्वर को नहीं देखेंगे. For whom you will see the God? तो आप किसको देखेंगे? We want to see the God. हमें परमेश्वर को देखना है. We want to submit our life to the God. अपने आप को जिंदगी को समर्पित करना है. For every single minute. हर एक right. Every single second. हर एक second. Every single minute. हर एक minute. Every hour. हर एक घंटा. Every day. हर एक दिन. Submit to the God. परमेश्वर के अधीन. When you submit to the God. परमेश्वर को अधीन. The devil cannot touch your life. शैतान हमें छू नहीं सकता. Satan can't enter your life. शैतान हमारे जीवनों में नहीं आ सकता. But what happened? पर एक चीज. When you done the sin. जब आप पाप करते हैं. Then you fell down to the sin. जब आप पाप में गिर जाते हैं. You are welcoming the devil in our life. तो हम शैतान को आमंत्रित देते हैं अपने जीवन में. When you think any bad thing. जब आप किसी बुरी चीज को सोचते हैं. When you going the wrong way. जब आप गलत रास्ते पे चलते हैं. When जब आप पाप करते हैं. What happened? क्या होता है? The evil spirit you are making the evil spirit inside of your body. शैतान है वो कार्य करता है आपके हृदय के अंदर से. When the evil spirit come inside of your body. जब शैतान आपके अंदर आ जाता है. Wherever you go. जहां पर भी आप जाएंगे. You are carrying the evil spirit inside of your body. अपने साथ उस शैतान को उस आत्मा को लेके चल रहे हो. Evil spirit inside of your body. और शैतान को अपने हृदय में लेके चल रहे हो. You cannot pray. आप प्रार्थना नहीं कर सकते. You cannot read the Bible. वचन नहीं पढ़ सकते. You cannot live a righteous life. आप एक धर्मी जीवन नहीं जी सकते. You cannot live a holy life. आप एक पवित्र जीवन नहीं जी सकते. You cannot come to the church. आप कलीसिया नहीं आ सकते. Always you have a problem. हर एक बार आपको दिक्कत होगी. Always you will fight. हर एक बार आप लड़ाई करेंगे. Always you will be the depression. हर एक बार आप एक डिप्रेशन में जाएंगे. Always you will the problem. आप हर एक बार दिक्कतों में फंसेंगे. Because the Holy Spirit not inside of our life. पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है. The devil is inside of the life. शैतान हमारी जिंदगी के अंदर है. The devil is controlling our life. तो शैतान हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है. Our mind should be controlled by the God. हमारा जो मन है वो परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए. Our thoughts should be controlled by the God. जो हमारे शब्द है वो परमेश्वर से कंट्रोल होना चाहिए. Our soul should be controlled by the God. हमारी जो आत्मा है परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए. Our mind should be controlled by the God. हमारा जो शरीर है परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए. Not by the devil. शैतान के द्वारा नहीं. But when you done the same. जब आप पाप करते हैं. When you done the same. जब आप पाप करते हैं. You are welcoming the evil spirit inside your life. आप शैतान का स्वागत कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर. When you welcome the evil spirit in your life. जब आप शैतान का स्वागत करते हैं. When you go home. जब आप घर जाते हैं. They will come with you. तो शैतान भी आपके साथ आता है. जब आप नौकरी की तरफ जाते हैं. वो भी आपके साथ आता है. जब आप स्कूल की तरफ जाते हैं. शैतान भी आपके साथ आता है. जब आप अपने कॉलेज की तरफ जाते हैं. शैतान भी आता है.
है. When you go everywhere, आप कहीं पर भी जाते हैं. He will come with you. शैतान आपके साथ चलता है. Because you're welcome, the evil inside of your life. क्योंकि आपने शैतान का स्वागत अपने हृदय में, अपने जीवनों में किया. But what the Bible says? पवित्र वचन क्या कहता है? Submit yourself. अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो. Submit yourself to God. जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, the evil will move from your life. शैतान आपके सामने से भाग जाता है. He will move from your life. वो आपकी जिंदगी से भाग जाता है. He will run from your life. वो आपकी जिंदगी से दौड़ता है. God want to be with you people. परमेश्वर चाहता है आपके साथ रहना. Every second. हर एक सेकंड. Do not lose the spirit of the God. परमेश्वर की आत्मा की पकड़ ना छोड़ो. Every second. हर एक सेकंड. Do not spending the time with the world. संसारिक समय पर अपना व्यतीत ना करें. But every second. हर एक सेकंड. The spirit of the God inside your life. पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए. But every second. हर एक सेकंड. The presence of the God want to be inside of your life. परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों में होनी चाहिए. But every second. हर एक सेकंड. The anointing of God want to be inside of your life. परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवनों में होना चाहिए. When you lose the spirit of the God. जब आप परमेश्वर की आत्मा के अंदर lose the anointing. जब आप अभिषेक को छोड़ देते हैं. When you lose the presence. जब आप उसकी उपस्थिति को छोड़ देते हैं. The devil will enter your life. शैतान आपके जीवनों में. He will attack your life. वो आपके जीवनों को अटैक करता है. He will try to do everything in your life. हर एक चीज अपने अनुसार करता है. You cannot move in your life. तो आप अपने जीवनों को अपने अनुसार नहीं चला सकते. What you think? आप क्या सोचते हैं? You cannot do. आप वो चीज नहीं कर पाते. What you think? जो आप सोचते हैं. You cannot do. वो आप चीज नहीं कर पाते. What you want to do? जो आप करना चाहते हैं. You cannot do that one. वो भी नहीं कर पाते. Because the devil is controlling your body. शैतान आपके शरीर को कंट्रोल करता है. But Bible says. पवित्र वचन कहता है. Submit yourself. अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो. And submit to the God. परमेश्वर The devil cannot come your life. शैतान आपकी जिंदगी में नहीं आ पाता. The same chapter of the James. यही चीज जो James कहता है. The 4:8 says. 4:8 कहता है. Come near to the God. परमेश्वर के निकट आओ. And He will come near to you. वह तुम्हारे निकट आएगा. What the Bible says. पवित्र वचन क्या कहता है? Come near. परमेश्वर के निकट आओ. God is waiting for you. परमेश्वर इंतजार में आपके. Come near to the God. निकट आए. Then you come near. जब आप उसके निकट आते हैं. He will come to you. वो आपके निकट आता है. Who will come to you? कौन आपके निकट आएगा? But Jesus. यीशु. The Holy Spirit. Yes, he comes to you. When the day of the Pentecost day, the people get together. Then the one mind, with one soul, with one body, they nothing about their family. They nothing what they are going to eat. They not see the time. समय को नहीं देखा. But they wait for the presence of the God. परमेश्वर की उपस्थिति का इंतजार किया. They wait for the presence of the God. परमेश्वर की उपस्थिति का इंतजार किया. They wait for the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा का इंतजार किया. They wait for the Holy Spirit. वो इंतजार किया. What happened? और क्या हुआ? Everyone filled with the Holy Spirit. हर एक जन पवित्र आत्मा से भर गया. They filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर गया. God used the people as a supernatural. परमेश्वर ने उनको अलग तरीके से अननेचुरल की तरीके से नेचुरल तरीके से यूज किया. Then Peter received the Holy Spirit. पतरस ने परमेश्वर ग्रहण किया. परमेश्वर जिंदा खुदा का प्रचार कर. You're not preaching a dead God. आप किसी मरे हुए परमेश्वर के बारे में नहीं बोल रहे. God is a God of the God of Almighty God. आप उस परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं जो सर्वशक्तिमान है. Because when you say the Jesus, जब आप यीशु मसीह कहते हैं, miracle happen. और क्या होता है? Miracle happen. चमत्कार होते हैं. When you say the Jesus, जब यीशु मसीह कहते हैं, deliverance will happen. और छुटकारा होता है. When you say the Jesus, जब यीशु मसीह कहते हैं, the devil cannot come there. और शैतान वहां नहीं आ पाता. When you say the Jesus, यीशु मसीह कहते हैं, he will remove from there. और शैतान ही ताकत में आ जाता है. When you say the Jesus, यीशु मसीह कहते हैं, और आशीष आती है. When you say the Jesus, every problem move from there. Then say the Jesus. Every bad situation move from there. The name of the God is a powerful name. जो यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर का परमेश्वर का नाम है वो सामर्थ्य. In front of the Jesus. और यीशु मसीह के सामने. No one can stand. कोई भी नहीं खड़ा. No one can stand. कोई भी नहीं खड़ा. The devil cannot stand. शैतान वो खड़ा नहीं. No one will stand. कोई भी खड़ा नहीं. Because He is the God of the powerful God. क्योंकि वो परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. We are serving for the God is a loving God. हम परमेश्वर के अधीन परमेश्वर की सेवा में है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान.